हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष चौधरी, डायरेक्टर ऑफ यूरेशिया एजुकेशन लिंक। जैसे कि आज आप लोग के लिए मैं एकदम न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बच्चे यूक्रेन से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र ले लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है। तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है कि जिन बच्चों ने ट्रांसफ़र लिए हैं, काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी स्टूडेंट के बारे में मैंने सुना है जिन्होंने एक सेमेस्टर बैक में एडमिशन ले लिया। क्या शायद उन्होंने किसी ने फीस के लालच में आके, फीस सस्ती है, किसी ने सोचा कि हो नहीं रहा तो हम किसी एजेंट ने कन्फ्यूज करके बुला लिया, फिर उसने सेमेस्टर बैक में एडमिशन ले लिया। लेकिन एक सेमेस्टर बैक का मतलब ये नहीं कि पूरा साल ही वेस्ट हो गया आपका। और एक थोड़े से पैसे की फीस सस्ती देखने के चक्कर में बच्चों ने अपना एक सेमेस्टर ख़राब किया, और आगे 1500 अगर डिफरेंट बैठता जितना, तो आप एक साल अगर अपना ख़राब करोगे तो एक साल ख़राब करने में कम से कम आपका $10,000 का खर्चा आता है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस $4,000 है और $1,000 हॉस्टल, 5,000 कम से कम 15,500 उसके फूड के मान लो, फिर प्लस फ्लाइट टिकट आने जाने का, फिर पर्सनल उसका एक्सपेंस, $10,000 इन्वेस्ट हो जाता है एक ईयर में। तो इतना सारा पैसा वेस्ट करने की, और ईयर भी वेस्ट करे, टाइम सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है टाइम की होती है, टाइम की। और जो अपना टाइम को नहीं समझेगा तो आगे क्या फ्यूचर बना पाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों ने ले लिया, चलो तो अब ले चुके हैं, अब तो उनके लिए उनको सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पर है अपना सेटल होके अच्छे से पढ़ाई करें और अपना एक मनोबल बना के पूरा जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ वॉर के चक्कर में उसको आगे बढ़ाए, और अपना पूरी अच्छे से मेहनत करें और इंडिया के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में आके निकालें, जो भी नेक्स्ट होगा आप लोग के लिए। तो मैं अब जिन बच्चों ने नहीं लिया उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आप किसी के भी थ्रू ट्रांसफ़र ले रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, या किसी सर्बिया, या आप जॉर्जिया, एक्स्ट्रा या किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, सबसे पहले किसी के भी थ्रू जा रहे हो उससे गारंटी लिखवा के लो कि हमारा सेमेस्टर बैक तो नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में जानो। जिस बच्चे, बहुत सारे बच्चों का प्लान है कि यार हमें फॉरेन में सेटल होना है, या असेंबली देनी, प्लेब देना, XYZ जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉरेन का, तो वो लोग भी एक सोचे अच्छे से कि अगर जिन बच्चों का फॉरेन में सेट होने का प्लान है, तो उन लोगों को अच्छी कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी, ना कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इनको छोड़ के भी आगे कुछ सोचना पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होता, आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फीस में 1500 का डिफरेंट है, तो मैं चाहता हूँ $1,000 के चक्कर में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, जिनके 2-3 साल बचे, ज़्यादा 2 लाख एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो बाकी तो देखो डिपेंड करता कितना किसका बजट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं जाओ, लेकिन आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन बस अपना सेमेस्टर सबसे पहले आपको चौकस होना है। फर्स्ट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सेमेस्टर बैक तो नहीं लग रहा, सेमेस्टर बैक वाली यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी है, करप्शन तो नहीं है, खाली पैसे दे के आप बैठ गया, डिग्री लाने का कोई मतलब नहीं, खाली डिग्री लिया होगा क्या करोगे इसका, ठीक है। दूसरी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो है वहाँ का बजट, आपका जो अकोमोडेशन है, जो भी आपके बजट में आ रही है नहीं आ रही है, हॉस्टल है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पर्सनल चीज़ आपके खर्च की, तो सारी चीज़ को आपको देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी हमने, मेरी कंपनी ने अभी तक जितने भी बच्चों का ट्रांसफ़र कराया है, चाहे जॉर्जिया कराया है, चाहे उज्बेकिस्तान कराया है, चाहे सर्बिया कराया है, चाहे स्लोवाकिया में कराए हैं, काफ़ी हर जगह गए हैं बच्चे, लेकिन मेरे एक भी स्टूडेंट का बैक नहीं लगा। चाहे आप उन बच्चों को कॉल करके पता भी कर सकते हैं कि आपका किसी का बैक लगा गया। यूरेशिया का अगर एक भी स्टूडेंट बोल दें कि मेरा बैग लगा है, तो आप मेरे सामने उसको फेस टू फेस मेरी बात करा सकते हैं, और मैं आपके सामने उस चीज़ के लिए क्लियर करके दिखाऊंगा कि ये मेरे थ्रू नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे, जिन बच्चों को फॉरेन में सेटल होना, या फॉरेन सोचते हैं कि चलो इंडिया में भी, और फॉरेन दोनों चीज़ सोच के चले, जिनको अच्छी सैलरी की उम्मीद अपने ऊपर कर रहे हैं, तो उनके लिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन सर्बिया लेकर आए हैं। सर्बिया में आपकी फ़ीस है 5,500 यूरो, हॉस्टल है 600 यूरो। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं हॉस्टल नहीं रहना, हमें फ्लैट लेना है, तो अभी जो काफ़ी बच्चे मेरे थ्रू गए हैं, तो सबने 3-3 रूम के 3-3 बच्चों ने फ्लैट लिए हैं। एक फ्लैट की जो पर मंथ का रेंट है 270 यूरो है, तो इतना तो सेम यूक्रेन में होता है, 300 से कम नहीं मिलता था यूक्रेन में भी, और फूड भी सेम जितना यूक्रेन में खर्च है उतना खर्च वहाँ पर है। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मेरी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो आपका सेमेस्टर बैक भी नहीं लगेगा, सेम ईयर में आपका एडमिशन होगा। जो सेकेंड नंबर पर आती है जॉर्जिया, जॉर्जिया में भी मेरे जितने भी स्टूडेंट गए, फोर्थ ईयर तो फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर तो फिफ्थ ईयर में, थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर में, सेम सेमेस्टर में उनका एडमिशन हुआ है, और अभी भी एडमिशन स्टार्ट है जॉर्जिया में ट्रांसफ़र के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी। सर्बिया में फर्स्ट ईयर के भी स्टार्ट है और ट्रांसफ़र भी स्टार्ट है। आप वहाँ पर अगर आपका प्लान है कि आगे, क्योंकि देखो अगर आप एक सीढ़ी पर चढ़े हो तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने की सोचोगे मैं सेकेंड सीढ़ी भी पार करूँ। अब एक सीढ़ी चढ़ के नीचे तो वापस नहीं आओगे ना, एक
अच्छे लेवल पे पहुंच के डाउन तो आप कभी नहीं होना चाहोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सबसे, अगर यूक्रेन 5 नंबर पे था तो आप 6 नंबर की यूनिवर्सिटी ढूंढ करो, यूनिवर्सिटी ढूंढो जो क्या, ताकि यानी कि 5 से 4 पे आ गए सीधे। 5 से 6 पे तो अच्छा लगता है, 5 से 4 पे आना, मैं नहीं कहता कि आप लोग के सोच रहे हैं, कोई बच्चे सोच रहे कि डिग्री तो लानी है, सब कुछ डिग्री नहीं होती, आपको एक नॉलेज भी, आपके जो प्रैक्टिकल है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सर्बिया का प्लस पॉइंट क्या है, सर्बिया में क्यों कह रहा हूँ आपसे, सर्बिया में अगर आप MBBS करते हैं और वहीं से अगर जर्मन लैंग्वेज भी साथ साथ में करते हो, आपको अदर कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पूरे यूरोप में। अगर आप चाहते हो वहाँ जॉब करना, जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो जर्मनी आके PG करना, तो PG के साथ साथ 4500 यूरो की सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ। तो सर्बिया इसलिए बेस्ट है, और 2024 में आप उसकी साइट पर जाके देख भी सकते हैं, यूरोप में पूरा हो जाएगा, और उनकी साइट पर भी लिखा है, यानी कि मैं खुद बोल रहा हूँ। दूसरी सेकंड नंबर पे आपका, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें सर्बिया में ही, अगर जिस हम कंट्री में गए, अब हमारा मान लो हम मन लग जाता है कि हमें अच्छा लगता है कि यार इस कंट्री के अंदर ही मैं सेटल होकर यहीं जॉब करूँ, तो वहाँ पे आप प्रोफेसर की भी MBBS करने के बाद सीधी वहाँ PhD भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो PhD करके वहाँ पे भी प्रोफेसर की जॉब भी कर, जिनका सपना है प्रोफेसर बनने का, प्रोफेसर भी बन सकता है। तो देखो आप पे डिपेंड करता है, आप खुद देखो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो, इसी रैंकिंग चेक करो, सब सब उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानो कि वाकई यूनिवर्सिटी बेस्ट है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग के लिए मैं जो ये वीडियो बनाने आया हूँ सिर्फ ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए, वो इसलिए बनाया कि बहुत सारे बच्चे अपना कैरियर ख़राब कर चुके हैं, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने ट्रांसफ़र लिया तो बैक सेमेस्टर में ले लिया। तो आप लोग इतने मायूस मत हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइफ में कठिनाइयाँ आती है, उनको हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उसको आगे बढ़ के उसका मुकाबला करना चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूरेशिया आपके साथ खड़ी है। अगर आप चाहते हो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आप चाहते हो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिले, तो यूरेशिया से कॉन्ट्रैक्ट करो और हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ हम एडमिशन कराएंगे किसी भी सेमेस्टर का कोई भी बैक नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आइए हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए और आप हर चीज़ के बारे में जानिए। थैंक यू।